आज एक न्यू रेसिपी के साथ हम आपके सामने हैं। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी जा रहे हैं बनाने स्पेशल बीफ कढ़ाई, जो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी एक अलग तरीके से और बहुत ही ज़बरदस्त से घर के ही तमाम मसालों के साथ बहुत ज़बरदस्त सी चटखारेदार और मज़ेदार सी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर जो मसालों में हमने सबसे पहले मसाले लिए हैं, यहाँ पर हमने लिया है नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, रेड पिसी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च यहाँ पर हमने लिया है 1/2 टीस्पून और गरम मसाला भी 1/2 टीस्पून। यहाँ पर हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है तकरीबन 3 चम्मच भर के। यहाँ पर हमने एक प्याली भर के लिए है दही। यहाँ पर लिया है हमने 2 अदद टमाटर जिनको हमने काट लिया है। यहाँ पर लिया है हमने हरी मिर्चें। यहाँ पर लिया है हरा धनिया, 2 बड़े साइज़ के प्याज जिनको हमने चॉप कर लिया। और यहाँ पर हमने लिया है बीफ 1 kg। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। आप इंशाल्लाह हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएंगी, घर में ज़रूर ट्राई किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में घी डाल लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए प्याज और इनको लाइट सा बिल्कुल हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। और जैसे ही हमारे प्याज लाइट से गोल्डन ब्राउन होते हैं तो नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही हट के स्पेशल सी ज़बरदस्ती ये कढ़ाई रेडी होगी इंशाल्लाह रेस्टोरेंट स्टाइल्स में। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई किया करें, इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हमारे प्याज में कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें गोश्त। बहुत ज़्यादा प्याज को हम ब्राउन नहीं कर रहे, यहाँ पर हम गोश्त ऐड करेंगे और इसको तकरीबन अच्छे से भून लेंगे कलर चेंज होने तक। जी तो यहाँ पर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमने गोश्त को प्याज और घी में भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट और फिर से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है इसकी बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाए और हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से भुन जाए। जी तो यहाँ पर हमने पहले प्याज और घी में गोश्त को अच्छे से भून लिया। अभी हमने ये तो यहाँ पर हमने लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ भी 2 मिनट के लिए भून लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे तमाम मसाले जो हमने आपको पहले बता दिए थे वो ऐड करेंगे और इतनी ज़बरदस्ती कमाल सी आपके किचन से इन मसालों की खुशबू आएगी। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सा मज़ेदार सी हमारे भी घर में हमारे किचन में बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप देखिएगा कलर कितना खूबसूरत सा आएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल नए अंदाज में मुख्तलिफ तरीके से हम अपनी कढ़ाई को बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर ताकि मसालों के साथ अच्छे से हमारा टमाटर जो है वो भी गल जाए। तो यहाँ पर अभी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करेंगे और अच्छे तरीके से भून लेंगे। जी तो यहाँ पर तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट तमाम मसाले डाल के दोबारा से भून लिया है गोश्त को। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी और इसको बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। और जैसे ही हमारा जो है गोश्त वो गलता है सही से कुक होता है तो आपको दिखाते हैं। ये रेसिपी इंशाल्लाह आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। तमाम घर के मसाले हैं, कोई रेडीमेड मसाला नहीं है, तो इंशाल्लाह आपकी सेहत के लिए भी बहुत बेस्ट होगी और वैसे भी खाने में बहुत ही कमाल की लज्जत। घर के पिसे हुए मसालों का एक नया ही अंदाज़ होता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त सी स्मेल होती है। तो जैसे ही हमारा गोश्त गलता है तो फिर आपको दिखाते हैं। जी तो यहाँ पर तकरीबन हमें 25 मिनट हो चुके हैं, हमने लो फ्लेम पर गोश्त को अच्छे से गला लिया है। अब इसमें बिल्कुल मामूली सा पानी है और आप देख सकते हैं गोश्त हमारा कितने अच्छे से गल चुका है। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल टूट रहा है हाथ से। तो यहाँ पर अभी हम इसमें ऐड करेंगे दही और फ्लेम को रखेंगे हाई पर और दही डालकर अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हमने तमाम मसाले ऐड किए थे लेकिन काली मिर्च और गरम मसाले का हमने इस्तेमाल नहीं किया था। अभी जैसे ही हमारी दही के साथ जो है गोश्त अच्छे से कुक होता है, अच्छे से दही के साथ उसका ज़बरदस्त सा मैच होता है, तो वैसे ही हम इसमें हाई फ्लेम पर काली मिर्च और गरम मसाला ऐड करेंगे। लो फ्लेम में नहीं करना। तो आप देखिएगा कितना खूबसूरत सा मज़ेदार सा हमारे कढ़ाई गोश्त का कलर, उसका जायका, बहुत ही कमाल की खुशबू और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी होगी। यहाँ पर अभी हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें भी साथ ही
जो हमने पहले ऐड नहीं की थी, तो यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल देंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से दही के साथ कुक कर लेंगे। जैसे ही दही का पानी ड्राई होता है तो फिर आपको दिखाते हैं कि कितना ज़बरदस्त हमारा गोश्त जो है वो भुन चुका है जी। तो यहाँ पर हमें गोश्त को दही के साथ भूनते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं दही ने कितना ज़बरदस्त ग्रेवी को एक अच्छा सा टेक्सचर दिया है, एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी क्रीमी सा फ्लेवर दे दिया है और बहुत ही मज़े का। जैसे ही इसका पानी बिल्कुल ड्राई होता है, आप देखें हम इसको भून रहे हैं। यहाँ पर हमारी फ्लेम जो है वो बिल्कुल हाई पर है, तो यहाँ पर अभी हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च और गरम मसाला। इसको हमेशा लास्ट पे ऐड करें ताकि आपके जो अक्सर कढ़ाई का कलर जो है वो ब्लैक मिर्च डालते ही ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। तो यहाँ पर हमने हाई फ्लेम पर रख कर काली मिर्च और गरम मसाला ऐड करना है ताकि हमारा जो कढ़ाई गोश्त है उसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हो और बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा मज़ेदार सा हमारा जो है ये गोश्त अच्छे से कुक हो। आप भी इंशाल्लाह घर में बनाइएगा, किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं बनेगा और बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त सा फ्लेवर है। दही के साथ इसका बहुत ही मज़े का साथ होता है। तो देख सकते हैं आप इसका मसाला कितना ज़बरदस्त सा और ख़ूबसूरत सा है। तो अभी 2 से 3 मिनट में हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से कुक हो जाएगा। फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। जी तो यहाँ पर हमारा बड़ा स्पेशल किस्म का ज़बरदस्त सा न्यू रेसिपी के साथ बीफ का मज़ेदार सा स्पेशल किस्म का कढ़ाई गोश्त जो है वो रेडी है। तो अब इसको फ्लेम को यहाँ पर हम करेंगे बंद और गार्निशिंग करते हैं और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। जी तो यहाँ पर हम हल्की सी बारीक बारीक अदरक के साथ, हरे धनिए के साथ और हरी मिर्च के साथ अच्छी सी गार्निशिंग करेंगे और हमारा खूबसूरत सा मज़ेदार सा यकीनन आपके मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा इस तरह का कढ़ाई गोश्त देखकर। आप भी ज़रूर घर में बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त सी रेसिपी है। बहुत ही कम लोगों ने इस तरह से चिकन गोश्त बनाया होगा और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़। जी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बीफ की कितनी खूबसूरत और मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी है। बहुत ही खूबसूरत सा कलर और बहुत ही खूबसूरत सी, इंशाल्लाह आप भी घर में ज़रूर बनाइएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी।